गाइस, वेलकम इन टेक लेक्चर। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का। इससे पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन का, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जनरल मॉडल फॉर वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन। वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन का एक जनरल मॉडल क्या है आज यही हम देखेंगे, ठीक है। ये मेरा टॉपिक है और यही मेरा आज का आउटलाइन भी है। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कवर करने वाली हूँ आपको, ये वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन का जो मॉडल है, जनरल मॉडल डायग्राम है, वो बताऊँगी, प्लस उसके वर्किंग बताऊँगी कि वो कैसे क्या काम कर रहा है, जो भी उसमें यूज़ हुए हैं ब्लॉक्स वो क्यों यूज़ हुए, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज इतनी चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्लाइड। ये रहा फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, जनरल मॉडल फॉर वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये वर्किंग है, ब्लॉक डायग्राम है। पहले देखिए मेरा इंफॉर्मेशन सोर्स है, सेकेंड है मेरा सोर्स इनकोडर, थर्ड है इंक्रिप्टर, फोर्थ है चैनल इनकोडर, फिर है मॉड्यूलेशन, RF अपर कन्वर्जन, वायरलेस चैनल, RF डाउन कन्वर्जन, डी मॉड्यूलेशन, चैनल डिकोडर, डिक्रिप्टर, सोर्स डिकोडर, इंफॉर्मेशन सिंक। यहाँ से क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या, कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे मेरी वॉइस है, ठीक है, तो ऐसी कोई ह्यूमन की वॉइस है वो हमारा मान लिया इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल तौर पे लिया है 8, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन सोर्स है, हमने मान लिया इंफॉर्मेशन सोर्स मेरा 8 है, ठीक है। 8 क्या होगा, सोर्स इनकोडर। सोर्स इनकोडर का काम क्या है कि जो भी आपका मैसेज है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना, इसका बस इतना ही काम है, बाइनरी में कन्वर्ट करना। इसने क्या किया है, 8 जो है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट किया। इनक्रिप्टर क्या करेगा कि जो ये टेक्स्ट आया है इसको दूसरी भाषा में, इनफैक्ट मीनिंगलेस में कन्वर्ट करेगा। इसका कोई ना कोई बाइनरी में जो कन्वर्ट हुआ है ये अगर इंसान चाहे तो पढ़ सकता है, इसके मत निकाल सकता है कि हाँ ये 8 है। लेकिन ये इनक्रिप्टर क्या करेगा, इसको इस तरह से चेंज करेगा कि ताकि उसके कोई मीनिंग ना निकले, कोई समझ ही नहीं पाए कि आखिर ओरिजिनल मैसेज क्या था। तो इनक्रिप्टर ने ये काम कर दिया। फिर चैनल इनकोडर ने क्या किया कि इसमें कुछ बिट्स ऐड कर देगा, कुछ बिट्स ऐड किया। फिर ये मॉड्यूलेशन पे जाएगा, ये मॉड्यूलेशन पे ये मॉड्यूलेट होगा। फिर ये RF अपर कन्वर्जन जाएगा, यानी कि जो भी लो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे होगा उसको हाई में कन्वर्ट करेगा। फिर ये वायरलेस चैनल पे चला जाएगा। फिर यहाँ से RF डाउन कन्वर्जन पे जाएगा, जहाँ पे हाई से लो में कन्वर्ट होगा। डी मॉड्यूलेट, यानी कि जो वहाँ यहाँ पर मॉड्यूलेशन हुआ है उसी को डी मॉड्यूलेट करेगा। फिर यहाँ पर देखिए चैनल डिकोडर क्या करेगा कि जो चैनल इनकोडर ने क्या किया था कि कुछ बिट्स ऐड किए थे, ये क्या करेगा डिकोडर, जो बिट्स ऐड हुए हैं उन्हीं को रिमूव कर देगा। तो देखिए यहाँ पर 11 लास्ट में ऐड हुआ था, इसने क्या किया, रिमूव कर दिया। फिर ये डिक्रिप्टर क्या करेगा, इनक्रिप्टर ने क्या किया था कि इसकी बिट की जो प्लेस है उसको चेंज कर दिया था, मीनिंगलेस के फॉर्म में बना दिया था। यहाँ क्या होगा कि इसको मीनिंगफुल में बना देगा कि इसका मतलब कुछ निकले। सोर्स डिकोडर क्या करेगा, यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा था, ये ओरिजिनल मैसेज जो उसका था उसमें कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करके ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन सिंक को दे देगा। टोटल यही है इसकी वर्किंग, यही इसका ब्लॉक डायग्राम है, यही इसका वर्किंग है। अगर आपके पेपर में अगर ये आता है तो आप सिंपल ये कर सकते हो कि ब्लॉक डायग्राम बनाओ, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ये मैसेज दिखा दो और इसके बारे में क्या लिखना है, जो मैंने अभी समझाया है उसी चीज़ को आपको लिखना है। मैंने नेक्स्ट में देखते हैं, इसका मैंने पूरा वर्किंग लिखा है, क्या चीज़ क्या काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन सोर्स, ये क्या है, इट इज़ अ मैसेज सिग्नल, एक तरह का ये मैसेज सिग्नल है, जैसे कि ह्यूमन का वॉइस। सोर्स इनकोडर क्या किया, इट कन्वर्ट इनटू अ डिजिटल सिग्नल कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1, मीन्स बाइनरी फॉर्म। सोर्स इनकोडर क्या किया कि इसको बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इनक्रिप्टर क्या करेगा, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग प्लेन टेक्स्ट डाटा टू साइफर टेक्स्ट, यानी कि मीनिंगफुल डाटा कन्वर्ट टू मीनिंगलेस डाटा, जो भी मीनिंगफुल डाटा है उसको मीनिंगलेस डाटा में कन्वर्ट कर देगा।
चैनल इनकोडर क्या कर रहा है, टू इंक्रीज रिडेंसी, यानी कि एड सम एडिशनल बिट, कुछ एडिशनल बिट क्या करेगा उस मैसेज में ऐड कर देगा। मॉड्यूलेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू अ रेडियो वेव बाय एडिंग इंफॉर्मेशन टू एन इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल कैरी सिग्नल। ये क्या करेगा कि जो भी आपको डाटा है उसको रेडियो वेव में कन्वर्ट करता है, ऐड करते हुए इलेक्ट्रॉनिक और कैरी सिग्नल को, ऑप्टिकल कैरी सिग्नल। आरएफ अप कन्वर्जन क्या है, द डिवाइस विच कन्वर्ट लो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल टू हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। आरएफ अप कन्वर्जन क्या करेगा कि जो भी आपका लो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसको हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। RF up converter is used in the combinations of RF PA. ये जो है इसका यूज किया जाता है इसमें RF PA. RF PA क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में। दिस कम्बिनेशन इज नोन एज BUC. इस कम्बिनेशन को कहा जाता है ब्लॉक अप कन्वर्टर। उसके बाद वो चैनल पे चला जाएगा, वायरलेस चैनल पे। फिर इसके बाद आता है हमारा RF रेडियो कन्वर्जन। RF रेडियो कन्वर्जन क्या है, द डिवाइस विच कन्वर्ट हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी टू लो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। जो भी हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को लो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। इट इज यूज इन कम्बिनेशन ऑफ RF LNE, यानी कि ये इसका यूज किया जाता है RF LNA। LNA क्या है, लो नॉइज एम्पलीफायर में इसका यूज होता है। दिस कम्बिनेशन इज नोन एज द LNB, लो नॉइस ब्लॉक कन्वर्टर में इसका यूज होता है, सॉरी इसको कहा जाता है। डीमॉड्यूलेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रेडियो वेव बाय एडिंग इंफॉर्मेशन टू एन इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल इनटू डाटा। जो भी रेडियो वेव था उसको डाटा में कन्वर्ट करेगा। चैनल डिकोडर क्या है कि जो भी बिट्स ऐड हुए थे उन्हें वो रिमूव करेगा। डिक्रिप्टर क्या कर रहा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट, यानी कि जो मीनिंगलेस मैसेज है उसको मीनिंगफुल मैसेज में कन्वर्ट करेगा। सोर्स डिकोडर क्या है कि इट कन्वर्ट इनटू ओरिजिनल फॉर्म, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म था उसमें कन्वर्ट करेगा। और फिर इंफॉर्मेशन से इट रिसीव ओरिजिनल मैसेज, उसको ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा, जो भेजा गया था वही मैसेज उसको मिल जाएगा। ओवरऑल यही आपका था इसमें, इतना ही आपका था वर्किंग, तो ज़्यादा कुछ नहीं था, छोटा सा था, तो मैं थोड़ा फास्ट में बता गई, जल्दी ख़त्म कर दिया। आप समझ आया होगा आई एम श्योर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगी, सॉल्व करने की उस प्रॉब्लम को पूरी कोशिश करूंगी। और चलते हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।